अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक न्यू रेसिपी और शेयर करती हूँ आपके साथ कटलेट्स की। उसके लिए मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं चिकन, उसके अलावा मेरे पास हैं आलू। आलू मैंने बड़े साइज़ के लिए हैं, इनको मैं हाफ हाफ पीसेस में कट करके बॉईल करूँगी। तो सबसे पहले मैं आलूओं को हाफ हाफ पीसेस में कट करती हूँ और इनको मैंने प्रेशर में रखना है। टाइम बच जाएगा इसीलिए मैं प्रेशर में रख रही हूँ। ये देखिए आलू के मैंने ये बड़ा था पीस, इसके चार पीसेस कर लें। अब ये थोड़ा सा छोटा है तो इसको मैं दो पीसेस कर लूँगी। इनको मैंने ये कुकर में पानी रखा हुआ है, इसमें मैं इसको रखूँगी, प्रेशर लगाऊँगी। आलू थोड़ा टाइम लेते हैं बॉईल होने में, इसीलिए मैंने प्रेशर यूज़ किया। ये देखें पानी में डिप हो गए हैं आलू, इनको मैंने कम से कम 10 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है और इन्होंने बहुत अच्छे से बॉयल हो जाना। थोड़ा सा नमक इसमें डालूंगी, नमक से जो है इनमें आलू के अंदर भी जायका रहेगा। मैं 1 चम्मच इसमें भर के नमक डाल रहा हूँ और अब मैं इसको प्रेशर लगाऊंगा। आँच हम इसकी नॉर्मली रखें। अब 10 मिनट्स के लिए हम इसको प्रेशर लगाएंगे, उसके बाद हम आलू चेक करेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। चिकन है हमारे पास 1 किलो, सूखा धनिया साबुत, सूखा धनिया ग्राइंड किया हुआ, जीरा 1.5 चम्मच, नमक 1.5 चम्मच, रेड फ्लेक्स जो हैं वो मैंने लिए हैं 2 चम्मच। एक है हमारे पास बड़ी इलायची और ये हमारे पास है बेली। ठीक है, ये सब इंग्रेडिएंट्स मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन में। अक्सर लोग जो है वो बनाने के बाद चिकन को बॉईल करने के बाद में सारे मसाला डाल देते हैं, लेकिन मैं चिकन के अंदर इसीलिए कर रही हूँ ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब इसमें 1 गिलास पानी डालें, ये मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। इसको भी हम लो फ्लेम पर रखेंगे। इसको हम थोड़ा, एक बॉईल आएगा तो ढक्कन दे दूंगी इसके ऊपर ताकि ये थोड़ी देर इसको स्टीम मिले और ये अच्छे से पक जाए। पानी इसका हमने बिल्कुल खुश्क करना है, सिर्फ अंदर एक जूसी जूसी सा रह जाए, सिर्फ उतना रहने देंगे। तो इसको हम ढक के रख देते हैं। ये देखें इसका पानी खुद ब खुद अंदर सारा ड्राई हो गया, थोड़ा सा रह गया वो मैंने खुद रहने दिया ताकि जब आलूओं के अंदर मैं मिक्स करूं तो वो बहुत खुश्क मटेरियल ना बने। तो अब मैं इसको उतार रही हूँ, ये पीसेस मैं इसमें निकाल रही हूँ ताकि ज़रा ठंडे हो जाएं। बोनलेस भी ले सकते हैं आप, लेकिन मुझे हड्डी वाला जो गोश्त है उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है। बाकी मटेरियल जो है ये मैं सारा बाद में उसमें ऐड कर लूँगा। ठीक है, ओके। अब हम आलूओं को देखते हैं। ये देखें आलू हमारे हो गए हैं बॉयल, प्रेशर में लगाने का फ़ायदा ही हुआ, 5 मिनट में ये हो गए हमारे। नंबर वन मैं आलू ले रही हूँ, गरम है थोड़े से, यहाँ आप दो दो करके ले लें। इनको अच्छे से हमने इसमें पीसना है, तो ये आलू पीसने के लिए बहुत अच्छा है, आप इससे पीस सकते हैं। इकट्ठे अगर आप करेंगे तो अंदर कोई ना कोई पोटैटो जो है वो रह जाता है, फिर वो क्या होता है ढेले से बन जाता है। तो कटलर जब बनाते हैं तो उसमें मोटा मोटा सा जो मटेरियल है वो सही नहीं रहता। ये सारे आलू जो हैं अच्छे से मैश हो गए हैं, लेकिन मैं इनको एक दफ़ा फिर पूरा इस तरह से इस चम्मच की मदद से कर रही हूँ ताकि अंदर कोई ढेला वगैरह रह ना जाए। ये चिकन जो है अब मैं हड्डियों से अलग कर रही हूँ और इसको हमने सिर्फ श्रेड करना है।
इस तरह से बारीक करी, लेकिन बहुत सॉफ्ट हो गया, इजीली ये फ्रेड हो जाएगा। व्यूअर्स, अब मैं ये जो मैश पोटैटोज हैं, ये बाउल मुझे छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज करूँगी ताकि मिक्सचर्स को अच्छे से मिक्स कर सकें। उसके लिए मैंने जो इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, नमक 1 टेबल स्पून है, काली मिर्च 1.5 टेबल स्पून है, और ये है मेरे पास नेशनल का चाट मसाला, ठीक है, ये मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। चाट मसाले से ज़रा स्पाइसी सा इस टेस्ट आता है। जब तक चिकन श्रेड हमने करना है, उसमें हमने बाकी जो चीज़ें डालनी हैं, मैं ये नमक को आप ज़रा फैला के डालें, क्योंकि कहीं एक जगह पे रह जाएगा तो फिर वो जायका उसमें ज़्यादा आता है। बाकी चीज़ें आप इसी तरह डाल दें, हिला के ही थोड़ा डालें। एक और चीज़ आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, हरी मिर्चें गर्मियों में फ्रिज में रखो तो वो ख़राब हो जाती हैं, तो हमने जो सादा मतलब ताज़ी हरी मिर्चें होती हैं उनको लिया था और उनको ग्राइंडर में डाल के उसको क्रश कर लिया। इसमें आपने 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के रखना है, फिर ये ख़राब नहीं होंगी। तो ये हमने पूरा जार बनाया हुआ था मिर्चों का। अब इन हरी मिर्चों का 1 स्पून भर कर मैं इसमें डाल रही, बल्कि एक और ऐड कर लेते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगी हरा धनिया। हरा धनिया अभी फ्रेश फ्रेश हम लोगों ने उतारा है और उसको कटिंग की है, मैं ऊपर ऊपर से उतार रही हूँ ताकि जो मिट्टी वगैरह के जर्रात हैं वो नीचे रह जाए। धनिया खूबसूरती में भी और जायके में भी अच्छा लगता है। अब मैं ये आलू के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लूँ। ऐसे मिक्स करें कि अंदर जो नमक और मसाला ज़्यादा हमने डाले हैं वो कहीं एक जगह ना रह जाए, और मिक्सचर जो है वो हाथ से ही अच्छा मिक्स होता है। तो ये हमारा मिक्सचर तैयार है, अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आप देखें ये चिकन अच्छे से श्रेड हो गया, बहुत बारीक, इसलिए नहीं किया कि फिर बिल्कुल ही उसका जायका नहीं आता, वो सूप में आप बारीक बारीक रखते हैं। इसको हाथों की मदद से मैं मैश कर रही हूँ एक दफ़ा, ताकि अगर कोई मोटा मोटा पीस रह भी जाए तो वो इसमें हो जाए। सारा मैंने हड्डियों से अलग कर दिया। अब मैं इसको आलू के मटेरियल में ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें रेड फ्लेक्स का कितना प्यारा कलर आ रहा है, दानेदार उसमें आ रहे हैं। रेड फ्लेक्स का वैसे भी टेस्ट डिफरेंट होता है, इसीलिए मैं इसमें ये ऐड करती हूँ। ये मैं सारा इसके अंदर ऐड करूँगी। चिकन और आलू का मटेरियल इक्वल होना चाहिए, चिकन कम हो आलू ज़्यादा हो तो टेस्ट नहीं मजेगा बिल्कुल। अब इसको मैं फिर से ऐसे मिक्स करूँगी। अब जो मेरे पास चिकन की वो देचकी थी, हमने उसको भी अच्छे से साफ़ करना है, क्योंकि उसमें काफ़ी मसाला भी बाकी है। मैंने आपको बताया था थोड़ा सा पानी है उसमें, वो मैं इसमें डाल दूँगी ताकि जूसी रहे, बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। ये जो बे लीव है इसको तेज़ पात कहते हैं, तो मैं ये निकाल रही हूँ। अब मैं इसमें ये बाकी मटेरियल ऐड कर दूँगी, ठीक है। इसमें हम बाउल में अब ऐड करेंगे। इसको मज़ीद साफ़ करने के लिए मैं आलू का ही थोड़ा सा मटेरियल लूँगी ऐसे, और इसको मैं ऐसे साफ कर लूँगी, क्योंकि सारा जायका तो इसी के अंदर है, और ये बहुत स्पाइसी मटेरियल बना मैंने पहले। हम टेस्ट करेंगे, अगर हमें फिर भी कोई कमी बेशी लगेगी तो हम उस चीज़ को ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इसमें ब्लैक पेपर जो है वो थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब ये फ्राई होगा ना तो ये थोड़ा सा फीका रह जाता है। अभी मटेरियल सही है चखने में, और 1 स्पून हरी मिर्चों का हम और डाल रहे हैं। अब मैं इसको दोबारा से मिक्स करूँगा। ये अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ये ना हो कहीं पर ज़्यादा मसाला आए कहीं पर कम आए,
तो वो अच्छा टेस्ट नहीं दिया। तो ये हमारा मटेरियल रेडी हो गया। अब मैं इसके बनाऊंगी कटलेट्स। आप रोल भी बना सकते हैं, आप कटलेट्स भी बना सकते हैं, जो आपको शेप अच्छी लगे। ये मैंने बाउल में थोड़ा सा पानी इसलिए लिया है कि जब आप कटलेट्स बनाओगे तो वो आपके हाथ पे चिपकते हैं, तो मैं ज़रा सा पानी ऐसे अपनी हथेली पर लगाऊंगी। अब मैं थोड़ा सा मटेरियल लूंगी ऐसे हाथ पर, आपने जितना साइज़ रखना है, वैसे इकोनॉमिकल साइज़ होना चाहिए, तो ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, और ना ही इतने मोटे बनाया कि उनको अगर आप फ्रीज कर देंगे तो वो आपको फ्राई करने में मुश्किल होगी। ये देखिए, ये साइज़ इकोनॉमिकल है। इसी तरह मैं बाकी भी बनाऊंगी। अपने ऐसे ही हथेली पे पानी लगाया, हल्का सा कम पकड़ें थोड़ा सा मटेरियल, जो आपके हाथ में आ जाए अच्छे से। गोल शेप में मैं बना रही हूँ, आप रोल भी बना सकते हैं उसको लंबे शेप। तो चलें अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। पहले हम पैन को थोड़ा सा गर्म करेंगे, लेंगे उसको अच्छे से बीट कर लेंगे। अगर आपने चाय के साथ सर्विंग करनी है तो आप जो उस पर क्रम्स भी लगा सकते हैं, और अगर आपने सैंडविच वगैरह बनाने हैं तो उसके लिए क्रम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छे से हमारा हो गया। आप एक्स्ट्रा स्पाइसी अगर आप चाह रहे हैं अपना मटेरियल, मतलब कटलेट, तो आप उसके लिए एग के अंदर नमक और थोड़ी सी रेड फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी मैंने मटेरियल बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाया। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। मैं इसमें मस्टर्ड ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा फैला लेती हूँ ताकि चिपके ना। वन बाय वन, ये भी बहुत फ्रेश फ्रेश हैं तो बड़ी अच्छी मज़े से बन जाएंगी, मतलब टाइम कंज्यूमिंग नहीं होंगी। आंच भी कम ही रखेंगे हम। थोड़ा सा इनकी साइड ब्राउन हो जाए तो मैं इनको पलटूंगी। फ्रेश थी तो इसलिए जल्दी बन गए, टाइम नहीं लगेगा। ये हमारी रेडी हो गई है, देखें आप ब्राउन है। अब इसको हम सर्विंग प्लेट में, इसको टिश्यू में रखने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने इसको नॉन स्टिक में फ्राई किया है, और उसके अलावा ये है कि ऑयल भी जितना कम डालो उतना अच्छा।